मेरा गोरा कदम आएगा, गोरा एक बारी आवे आवे मेरी बच्ची के पास के मेरे गोरा मार दे तेरे बिना की मैं जीवा मेरे बच्ची के मेरे नुवार मार दे मार दे मैं तेरे गोरी रात को नहीं हो कोई वे मेरे बच्चे बात नुके लावे कावे आने बात के मेरे कोरो मेरा इरा बच्चा मटर की इसका चाचा भी यही बात कर रहे हैं, जनता से यही अपील कर रहे हैं परिवार का उनको सांत्वना देने का प्रयास सत्ताईस को इसने हरामजादे ने कत्ल करवा के उसका नरवैर एजेंट ने और खुद को डिपोर्ट बता के ये इंडिया वापस भाग गया। उसके बाद हमने 1 तारीख से सदर थाने में अपना FIR दर्ज करवानी चाहिए और बलजीत SHO मौके पे था, उसने हमारी FIR दर्ज नहीं की। बलजीत SHO सब इंस्पेक्टर चरण सिंह और विजय, ये तीनों विजय बोरिया, इन्होंने बोला भाई ये तो बलजीत SHO ने मौके पे मेरे को बोला भाई ऐसा है ये तो बाहर का मामला है, हम केस दर्ज कर ही नहीं सकते, ये है वो है। और 6 तारीख की साथ की बात है, ये अपना इसका एजेंट नरवैर उसका डैडी, ये 8-9 बजे की बात है, 1.5 लाख रुपया व्हाइट पन्नी में थे, 50,000 के बंडल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसको देखते हुए पीछे, और मेरे को धक्का दे के होमगार्ड से बाहर निकलवा दिया भी चल। पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ना आज तक कर रही है ना कार्रवाई कर रही है। कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी 2 हुई है, वो भी जो उन पे ठोस लग गया है अभी इन्होंने करवाया है, 2 है जो मेन है, ये 908 मुकदमा नंबर 908 FIR दर्ज सदर में 22/9/2001 को अपना 2021 को ये होया था, दर्ज हुई थी, अब तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। और ये लड़का इसकी नरवैर की और प्रभजोत की अरेस्टिंग हुई है, दूसरी किसी की कोई अरेस्टिंग नहीं कर रहे। अगर ये अरेस्टिंग करते हैं या हमारी बॉडी मंगाने में मदद करते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल को हम सड़कों पे उतरेंगे और आईटी रोड है जो वो भी जाम करेंगे। किसान आंदोलन वाला फिर यहाँ काम शुरू करवाना चाह रहे हैं हमारे से, ये तो हम हाथ जोड़ के प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि हमारे लड़के की बॉडी जल्दी से जल्दी मंगवाई जाए और जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट किया जाए। हौसला करना पड़ेगा सारी जिंदगी दे आ जावे मेरा सोना पे पावा नहीं मेरा हीरा बच्चा हाली मैं मर चली 5 महीने हो गए ना मैं डीक दिन मेरे बच्चे राज में फोन आएगा हाली मेरा बच्चा तो इना जानते खा लिया जे खा लिया नी इना
जरूरी होनी चाहिए। मैं अपने बेटे की बॉडी वास्ते बैठ गई हूँ, जिन दिन मेरे बेटे की बॉडी ना आई मैं भी इतनी रहूँगी, मैं अपने बेटे के साथ ही जावगी, हूँ उन्नी मैं उठागी इतों। मेरे बेटे की सौ उम्र तक बॉडी जरूर आनी चाहिए। मैनू बड़े दिन तीन तरीक तो अच कि तरीक हो गई है, मैं उस दिन की रौला पा रही हूँ, मेरा बेटा मिलना चाहिए, मेरा बेटा होना। पाँच महीने हो गए मेरे बेटे को ग्रीस में पड़ेगा, कोई कार्रवाई नहीं होने। हूँ मैं ही आनी मेरे बेटे की सौ उम्र तक बॉडी जरूर आनी चाहिए, नहीं तो मैं भी अपने बेटे के साथ ही जाऊंगी। मैं इतों उठागी ना उन्ना चाहिए, मैं अपने बेटे के साथ ही जाना है, मेरा बेटा जरूर आना चाहिए। दो आरोपी अरेस्ट हुए हैं, दो सिर्फ एक निर्वैर एक प्रभजोत, दूसरे सारे बाहर ही घूम रहे हैं। तो विक्रम की सगी बहन थी प्रभजोत? हाँ जी सगी बहन। तो आपको लगता है डेड बॉडी आएगी? आज मंत्री से भी मिले हैं? हाँ जी मिले हैं, देखो सब करेंगे, कोशिश करें। कहाँ भेजा था? ग्रीस भेजा। हाँ जी ग्रीस भी। आपका शुभ नाम आंटी जी? हरमीत को। इसलिए शुरू कर दिया है जी, प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हम एसपी साहब से भी कई दफ़ा मिल चुके हैं, तो खाना पूर्ति में काम चल रहा है। उधर से जैसे सदर थाने वालों ने हमारे को गुमराह करके रखा था, पाँच महीने 12-14 दिन हो गए हैं ये भी गुमराह करके रखे हुए हैं हमारे को, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। अनिल विज भी नहीं, अनिल विज के पास गए थे, उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट ऑनलाइन लिए हैं तो कार्रवाई होगी या नहीं होगी, इसलिए बैठ गए हैं। या तो हम भी मर जाएंगे या फिर हमारे लड़के की जल्दी से जल्दी प्रशासन बॉडी मंगवाए और हमारे को इंसाफ दिलाया जाए, और जो मान लो बाहर घूम रहे हैं और हमारे को उनसे डर है उनको अरेस्ट किया जाए। आपको कंफर्म है कि ग्रीस में भी? हाँ हाँ हाँ, हम जगह भी बता सकते हैं जहाँ पड़ी है, 16 लिंकी में बॉडी पड़ी है, ग्रीस पुली कास्त्रों के साथ कस्बा पड़ता है, 16 लिंकी वहाँ बॉडी पड़ी है। पाँच महीने? हाँ पाँच महीने से मर्डर कर रखा है। 28 सितंबर को यानी कि 28 अगस्त को 28 अगस्त को मर्डर कर दिया था, तो उस दिन की बॉडी मर्चरी हाउस में पड़ी है। तो मान लो इन्होंने गुमराह करके सदर थाने वालों ने, एक बल मेन है उसमें मुख्य आरोपी है बलजीत, सब इंस्पेक्टर चरण सिंह और विजय, ये तीनों ने हमारे को गुमराह करके अभी तक भी रखा हुआ था, क्योंकि ये तो कुदरती हमारे को 3 तारीख को पता लग गया बाहर से, भाई वीडियो देखो ये फोटो अपने लड़के की पहचानो। हाँ जी ये जनवरी नए साल में 3 जनवरी को। आरोपी कौन कौन अरेस्ट हुए? आरोपी तो अभी मेन तो आरोपी दो ही हुए हैं, नरवैर और प्रभजोत, और मेन आरोपी जो है वो बाहर हैं अभी, उसका जो जीजा है सोनू और उसका मामा है जो मेन हैंडलिंग करता है और हमारे को दबाव बना रहा है, अभी इनका पर्चा उठवाएंगे, इनको ये कहाँ पर्चा देंगे, पर्चा उठवा दें जान से मार देंगे, धमकियाँ मिल रही हैं हमारे को। तो मेरा नाम गुरविंदर सिंह है, मैं उसका लड़के का चाचा हूँ। यहाँ से 6 बजे निकले थे और अनिल विज को मिलने गए थे, बहुत प्रयास किया, बड़ी मेहनत की हमने, फिर उनको मिले हमारे को, फिर उनसे बात, मेरी बात हुई, इनकी किसी से बात नहीं हुई कि कोरोना की वजह से, वो मेरे को मिले, सिर्फ उन्होंने हमारे को सिर्फ एसपी साहब को फ़ोन किया भैया इनके आरोपी पकड़ो, तो एसपी साहब ने उनको ये कहा भी दो आरोपी पकड़े हुए हैं, बाकी फरार हैं, हम उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी पकड़े तो गए नहीं हैं। और बाकी अनिल भी ने यही कहा भी यार, फिर हमने उनको कहा हमारी डेड बॉडी मंगाओ, उन्होंने ये कहा भी हम जल्दी से जल्दी आपकी डेड बॉडी मंगवाने का कार्य करेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो 10-15 दिन से हमारे साथ आँख मिचोली खेली जा रही है और अभी तक तो डेड बॉडी का मामला, मर्डर का मामला है, कोई इसमें और तो कोई बड़ी बात है नहीं। वो चाहते तो लक्का, मेरे ख्याल सरकार चाहती तो कभी की डेड बॉडी आ सकती थी, वो मुझे लगता नहीं आएगी डेड बॉडी। अब आखिर में तंग हो गए ना, हम तो सिर्फ माता को लेके यहाँ धरने पे बैठे हैं और जब तक हमारी डेड बॉडी नहीं आएगी हम ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। माता का बहुत बुरा हाल है, दिन रात तो बेचारी दीवारों से बात करती है अपने बेटे के बारे में, रोती है, रात को कूक मार के रोती है, आवाज़ें करती है, ऐसा लगता है भी इसका दिमाग ना चल गया बेचारी का। तो बेटे का दर्द तो बहुत खतरनाक होता है ना, मैं कहता हूँ सीएम साहब देखो आपके शहर में ये क्या हो रहा है, और कोई भी नेता करनाल का जो भी कोई भी पॉलिटिशियन है ना, सब ड्राइंग रूम तक है, सिर्फ चमचागिरी पे विश्वास करते हैं, ये कार्य पे कोई विश्वास नहीं करते। अब इनको पता होता इनके घर में नाम था बेटे का? विक्रम था उसका नाम, भेजा था ग्रीस में, भेजा था हमने उसको, ये उसकी जो बहन है प्रभजोत उसने मरवाया है, नरवैर उसका एजेंट है, अरे उसका चाचा सुखदेव, ये लोग सब इकट्ठे गैंग है इनका, 7-8 आदमियों का, उन लोगों ने ये कार्य किया है। मेरा नाम सुभाष कोच है, वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ मैं, बसंत बिहार।